हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपना अध्याय सोलह हमारा कौन सा है, आंकड़ों का विश्लेषण, इसको बच्चों हमने स्टार्ट कर लिए थे। पार्ट नंबर एक में हमने दो नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को देख लिए। आज की इस क्लास में आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके समांतर माध्याय या फिर माध्यिका या फिर बहुलक से पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं अब आपको अलग अलग 3 पार्ट देने वाला हूं। आज की इस क्लास में यानी कि पार्ट 2 में हम समांतर माध्याय निकालना सीखेंगे, और इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट नंबर 3 में, हम माध्यिका निकालना सीखेंगे, और इसका एक और पार्ट आएगा लास्ट पार्ट में, मैं आपको बहुलक निकालना सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल आ जाइए बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम है अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, और आज जो हम पढ़ने वाला है वो है भाग 2। भाग 2 में मैं आपको समांतर माध्य से संबंधित 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही परीक्षा में यही जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्टों को सीख लिया है तो बिल्कुल आपके डेटा चेंज कर दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर ने कौन सा क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट को सीखना कि सर उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे हम अपना रिप्रेजेंट करेंगे कि पूरा में पूरा नंबर मिले, हम इसको सीखेंगे। चलिए, तो डायरेक्टली हम चलने जाएंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन, आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, मैं आपको समांतर माध्य निकालना दो नंबर जब हम पढ़ रहे थे, दो नंबर की तैयारी कर रहे थे, वहां पर भी निकालना सिखा चुका था, जहां पर आपको जो डेटा है वो एक लाइन में थोड़े कम डेटा दिए जाते थे, तो उसके लिए हम समांतर माध्य निकालना सीख चुके थे। यहां पर हमें समांतर माध्य निकालने के लिए एक सारणी दी गई है, इस सारणी की सहायता से हम समांतर माध्य निकालना सीखने वाले। बिल्कुल देखो, चलिए सर एक बार पढ़ने क्या कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकाला, बिल्कुल पढ़ लो, आज देख लो। चलो, तो यहां पर बोला गया कि सर एक उच्चतर माध्यमिक शाला है जिनमें बच्चों के जो वजन है, बच्चों के वजन के जो आंकड़े हैं वो हमें दिए गए हैं, इन आंकड़ों से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ 2017 सेट ABC, तीनों सेट में पूछा गया था 4 नंबर के लिए। चलो एक बार इस टेबल को हम पढ़ते, देखो तो देखो इस टेबल में आपको 2 पंक्ति दिख रहे हैं। पहले वाली पंक्ति में क्या है सर, यह है वजन किलोग्राम में, जो बच्चों का वजन है वो किलोग्राम में दिया गया है। अब यहां पर आपको दिखेगा नीचे वाले पंक्ति में सर बच्चों की संख्या। अब इसको हम समझते, देखो तो पहले वाले को देखो कि सर 30 से 40 किलोग्राम वो 11 बच्चों का है, 30 से 40 किलोग्राम सर 11 बच्चों का है। उसी प्रकार से 40 से 50 किलोग्राम वो 29 बच्चों का है, फिर 50 से 60 किलोग्राम 6 बच्चों का है, 60 से 70 किलोग्राम के जो बच्चे हैं 3 है, और 70 से 80 किलोग्राम के कितने बच्चे सर 1 बच्चे हैं। बच्चों याद कीजिए हम समांतर माध्य निकालना कैसे, मैं आपको बताता है सर। समांतर माध्य निकालते हैं 1/12 बराबर, देखो पहले इसको और समझ लो, 1/12 बराबर सर हम इसको निकालते थे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा हम निकालते थे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर भी बच्चों आपको टेबल के फॉर्म में आंकड़े ही दिए गए, डेटा ही दिए गया है, सबसे ऊपर में हम रखेंगे आंकड़ों का योग। सर अब यहां पर आंकड़े कैसे जानेंगे, देखो देखो क्या बोला गया था कि 30 से 40 किलोग्राम के 11 बच्चे हैं, 40 से 50 किलोग्राम के 29 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत से डेटा दिए गए हैं, बहुत से बच्चों की संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले आंकड़ों का योग निकालेंगे, फिर हम आंकड़ों की संख्या यानी कि टोटल जो बच्चे रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, हमें समांतर माध्य सर पता चल जाएगी। इस तरह से हम समांतर माध्य निकालते हैं, लेकिन यहां पर एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो इसके लिए क्या करेंगे पता है, टेबल दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे सुंदर सा एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। देखो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इसको इजीली ही 5 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो तो मैं इसको सेकंड स्लाइड में अच्छे से आपको क्लियर करके बताता हूं। सबसे पहले देखो इसका लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले साइड में लिखो हल। बिल्कुल पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना। बिल्कुल आ जाओ, देख लो। चलो तो सर हम यहां पर बनाने वाले पहले तो टेबल साबिल सारणी बनाने वाले, देख लो टेबल मैं बनाने जा रहा हूं। देखो आ जाओ, देखो ऐसा पहले आप लाइन खींच लो। अब देखो
सर लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इस बॉक्स को चार भागों में मैं बांटने वाला हूं, चार मैं कॉलम बनाने वाला हूं। कितने? चार मैं कॉलम बनाने वाला हूं। सर चार ही क्यों बनाएंगे, ये आपको आगे पता चल जाएगा। आ जाओ देख लो, चलो ये एक हो गया यहां पर सर, ये दूसरा नंबर का हो गया, ठीक है। दो और बनाने तो यहां पर मैं एक लाइन और खींच देता हूं। सर हमने चार कॉलम बना लिए, बहुत अच्छे से हमने चार कॉलम सर बना लिया। अब क्या करेंगे, तो देखो ऊपर में भी हम एक लाइन बनाएंगे। देखो मैं यहां पर एक लाइन और बना दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको सीधा करता हूं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे ना। चलो एक लाइन हम नीचे की साइड बनाएंगे सर, एक लाइन हम क्या करेंगे नीचे की साइड बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल पूरा हो चुका सर। अब टेबल तो बना लिए, लेकिन टेबल में हम भरेंगे क्या, क्या भरेंगे इस सारणी में। मुद्दा ये है कि सर हम सारणी में लिखेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से समझेंगे। आ जाओ देख लो, चलो आ जाओ देखो। अब यहां पर मैंने चार कॉलम बनाए हुए हैं, तो पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, तो पहले वाले पंक्ति को देखो सर, यहां पर दिया गया था वजन किलोग्राम में। तो जो पहले नंबर में पहले वाली पंक्ति में दिया था वजन किलोग्राम में, उसको मैं जो यहां पर टेबल बनाया ना, उसके पहले वाले कॉलम में रखने वाला हूं। कहां रखूंगा, पहले वाले कॉलम में रखूंगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वजन, जो कि हमें दिया गया है किसमें दिया गया, किलोग्राम में, बिल्कुल किलोग्राम में दिया गया है। तो मात्रक को भाई मैंने लिख दिया वजन और ब्रैकेट में डाल दिया सर किलोग्राम में, ठीक है। चलो फिर सर दूसरे वाले कॉलम में क्या रखेंगे, तो दूसरे वाले पंक्ति को देखो क्या दिया था, बच्चों की संख्या। तो दूसरे वाले कॉलम में हम रखेंगे बच्चों की संख्या को, बिल्कुल यहां पर हम लिखेंगे बच्चों की संख्या। क्या हो गया, बच्चों की संख्या। चलो बच्चों की संख्या को ना मैं F से प्रदर्शित कर लेता हूं, किससे, F से मैं इसको रिप्रेजेंट कर ले। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी। अब देखो चलो इन दोनों कॉलम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों कॉलम का काम तमाम करते। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आ जाओ देख लो। चलो तो वजन किलोग्राम में देखो 30 से 40 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं हमारे पास, 11 बच्चे हैं। तो यहां पर आपको चिपकाना है सर 30 से 40 हमारे पास 11 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, बिल्कुल। फिर सर 40 से 50 किलोग्राम के 29 बच्चे हैं, बिल्कुल। तो यहां पर लिखेंगे सर 40 से 50 किलोग्राम के हमारे पास 29 बच्चे हैं। कितने, 29 बच्चे, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा, फिर तीसरे नंबर में दिया था कि सर 50 से 60 किलोग्राम के 6 बच्चे हैं। तो यहां पर हम चिपकाएंगे सर कि 50 से 60 किलोग्राम के हमारे पास टोटल 6 बच्चे हैं। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी को समझ लिया। फिर दिया था सर कि 60 से 70 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा सर कि 60 से 70 किलोग्राम के हमारे पास 3 बच्चे हैं। बिल्कुल सर मैं इसको समझ गया। फिर अंतिम में क्या दिया था कि सर 70 से 80 किलोग्राम के केवल और केवल एक ही बच्चा है। तो लास्ट में हम यहां पर लिखेंगे कि सर 70 से 80 किलोग्राम के केवल एक ही बच्चा। बिल्कुल सर हमने यहां पर इसको चिपका दिया। दो कॉलम को हमने अच्छे से भर लिया, अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है, कुछ नहीं किया, टेबल बनाया है और जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने छाप दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपने यहां पर दो कॉलम क्यों बनाया, अब इसको हम जानते हैं। देखो दो कॉलम मैंने यहां पर क्यों बनाया हुआ है, देखो अब हम क्या करेंगे पता है, तीसरे वाले कॉलम में मैं निकालने वाला हूं मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। तो मध्य बिंदु को चलो मैंने एक से रिप्रेजेंट कर दिया, एक से इसको प्रदर्शित कर दिया। सर मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो मध्य बिंदु आ जाओ। तो जो आपको दिया गया अंतराल ना वजन किलोग्राम में, इसको देखो हमें निकालना है पहले वाली पंक्ति का, हमें निकालना है क्या, निकालना है मध्य बिंदु निकालना है। तो आपको दो आंकड़े दिख रहे होंगे 30 और 40, दोनों को जोड़ो और दो से भाग दे दो। तो 30 और 40 को जोड़ेंगे सर तो हमें मिलेगा 70, और 70 को दो से भाग देंगे तो हमें अच्छे से 35 मिल चुका। तो इसका मध्य बिंदु क्या हुआ, 35 हो चुका। बिल्कुल सर हमने हाथ की कहानी को अच्छे से समझ लिया। अब देखो आ जाओ सर 40 और 50 का निकालेंगे मध्य बिंदु ना, तो हमें मिलने वाला कितना, 45। कितना मिल चुका, 45 मिल चुका। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, दोनों को जोड़ो और दो से भाग दे दो, आपका मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। चलो आ जाओ तीसरे नंबर में आते सर 50 और 60, तो 50 और 60 का अगर मैं मध्य बिंदु निकाला तो मुझे मिला 55। उसी प्रकार से 60 और 70 का मध्य बिंदु निकाले तो सर हमें मिला 65, और 70 और 80 का अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो बिल्कुल हमें यहां पर मिलेगा 75, ठीक है। चौथे वाले कॉलम को हमने अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती सर ये लास्ट वाले कॉलम में हम क्या भरेंगे, देखो लास्ट वाले कॉलम में क्या भरेंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो बच्चों की संख्या और मध्य बिंदु है इन दोनों का गुणा कर दूंगा, यानी कि मैंने यहां पर लिखा F into X, मैं दोनों का गुणा करने वाला हूं, क्योंकि समांतर माध्य में क्या आता है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों की संख्या और मध्य बिंदु दोनों का कर देंगे गुणा, तो यहां पर मुझे F into X पता चलने वाला है। तो सबसे पहले पहले वाली पंक्ति के लिए बात करेंगे, देखो
सर एस का मान तो है 11 और एक्स का मान क्या है 35 है, दोनों को गुणा करेंगे तो बिल्कुल 385 आता, कितना 385 आने वाला, यहां पर मैंने चिपका दिया सर 385। अब देखो दूसरे वाले पंक्ति में आते हैं तो सर हमें 29 का गुणा करना है 45 से, तो आज कोई दिक्कत नहीं गुणा करना सीख लेंगे, तो रफ में आएंगे 29 का गुणा करने वाले हैं 45 से। देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना, चलो 29 का गुणा सर 45 से करने वाले, तो 5 का गुणा मैं पहले करूंगा 9 से, तो 9 पंचे हो गया 45 का 5, हासिल में आ चुका 4। ठीक है, अब देखो फिर 5 दूनी 10, 10 और 4, 10 और 4 सर यहां पर हो चुका 14, कितना हो गया 14 हो गया गुणा, फिर 4 का गुणा करेंगे सर हम 9 से, तो 9 चौक होता 36, 36 का 3 आया, 36 का सॉरी 6 आया, हासिल में आया 3, हासिल में क्या आया 3 आया, फिर 4 का गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दुनिया 8, 8 और यहां पर 3 सर ये हो जाएगा 11, तो क्या मिलेगा यहां पर सबको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा 6 4 10, हासिल में आ जाएगा यहां पर 1, फिर यहां पर सर हो जाएगा 3, फिर यहां पर आ जाएगा 1, तो 1305 कितना है 1305 हमें मिल चुका है, यानी कि 29 गुणा हमने 45 किया तो 1305 हमें अच्छे से मिल चुका। अब देखो सर फिर हमें ना यहाँ पर 55 गुणा 6 भी करना है, तो 55 गुणा 6 करके चलो देखते हैं, तो 6 पंचे 30, 30 का शून्य आया, हासिल में आ चुका 3, 6 पंचे 30, 30 और 3 सर ये हो जाएगा 33, यानी कि 333 कितना आया 330 है क्या, हाँ 330 है, देखो 55 गुणा 6 करने पर कितना मिला 330 हमें मिल चुका, बड़े अच्छे से समझ में आ गया सर। अब देखो यहां पर 65 का गुणा करने वाले हैं 3 से, तो 5 तिया ये हो जाएगा 15 का 5, हासिल में अभी भी एक बचा हुआ है, अब यहां पर 6 तिया 18, हासिल का एक, यानी कि 195 कितना मिला 195 सर मिल चुका। अब 75 का गुणा 1 से करेंगे अंतिम वाले रॉ के साथ पंक्ति के साथ, तो 75 एकम 75 बिल्कुल यहां पर क्या लिखा जाएगा 75 एकम 75 लिखा चुका बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी को हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो अगर यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका 80% काम हो चुका है, 80% आपने काम कर लिया है, बस अभी तक हमने किया भी क्या है बता रहा, किया भी क्या है, पहले वाले कॉलम में हमने जो क्वेश्चन में दिया था और दूसरे वाले कॉलम में जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने छापा है, तीसरे और चौथे कॉलम उसको निकाला, आपका 80% काम हो चुका है। अब सर 20% में हम क्या करेंगे, देखो आ जाओ देखो, तो सर 20% में हम करने वाले हैं सबसे पहले कितने बच्चे थे, टोटल बच्चों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, टोटल बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए हम कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये सिग्मा का उपयोग करते हैं, ठीक है योग के लिए, तो सिग्मा एफ बराबर देखो सबको जोड़ने वाले हैं, चलो जोड़ने कोई दिक्कत नहीं, देखो तो 9 और 1 ये सर हो जाएगा 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 3, 16 और 3 सर ये हो जाएगा 19, 19 और 1 ये हो जाएगा 20, 20 का आया शून्य, हासिल में आ जाएगा यहां पर 2 बिल्कुल, फिर 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 3 और यहां पर 2, 3 और 2 यहां पर सर ये हो जाएगा 50, क्या आ गया 50 आ चुका बिल्कुल, तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 50 है, टोटल बच्चों की संख्या 50 हमें मिल चुकी है सर बिल्कुल। अब देखो यहां पर हमें आंकड़ों का योग निकालना होता है, यानी कि मुझे सिग्मा एफ एक्स जो मिला हुआ है, मुझे एफ एक्स जो मिला हुआ है उसका मैं समेशन निकालने वाला हूं, सिग्मा एफ एक्स में ज्ञात करने वाला हूं, सर अब कैसे करेंगे देखो आ जाओ बिल्कुल सबको जोड़ने वाला है, तो 5 5 5 चार बार है, तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20, 20 का आया सर यहां पर शून्य, हासिल में लग जाएगा ये 2 बिल्कुल 2 लग चुका, 8 और 2 ये हो जाएगा 10, 10 और 3 यहां पर इसको जोड़ूंगा पहले 10 और यहां पर मैं कर लेता हूं 9 को, ये हो जाएगा सर 19, 19 और यहां पर 3, 19 और 3 सर ये हो जाएगा 22, 22 और यहां पर 7, 22 और 7 को आप जोड़ सकते हो सर, हमें मिलेगा 29 का 9 आया, हासिल में आ जाएगा यहां पर 2, ठीक है 2 आ चुका। अब देखो अभी क्या करेंगे सर, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 यहां पर ये हो जाएगा सर 8 और 3 11 हो चुका, 11 और यहां पर ये देखो 11 और 1 सॉरी कहां पर बोल गया कुछ गलत कर, नहीं देखो एक बार और जो लेते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और यहां पर 3 11, 11 और 1 12, 12 ठीक है यहां पर 12 आ चुका, 12 का सर यहां पर आया 2, हासिल में आ जाएगा यहां पर 1 बिल्कुल 1 आ चुका। अब देखो 1 और 1 2 और 1 ये हो जाएगा सर 3, क्या आ चुका 3, अच्छा ये इसको तो जोड़ लेते ना, तो 1 और 2 यानी कि 2290 क्या मिल चुका 2290 मिल चुका बिल्कुल, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमें मिल चुका है 2290 हमें मिल चुका है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है बिल्कुल सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। हम निकाल क्या रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं समांतर माध्य बिल्कुल, आ जाओ देखो अतः समांतर माध्य बराबर अतः समांतर माध्य
समांतर माध्य, और समांतर माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं 100 बार से 100 बार। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग यानी कि सिग्मा ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स, बटा करेंगे सिग्मा एफ से। अब देखो चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स के साथ मान था ये 2290, सॉरी हाँ ठीक है ना 2290, इसको हम भाग करने वाले सिग्मा एफ से जो कि हमें मिला हुआ 50। जीरो से जीरो निपटा देंगे तो सर यहां पर हमें 229 को 5 से भाग देना, बिल्कुल आ जाओ रफ में आ जाओ। तो 229 को हम 5 से भाग देंगे, मैं बार बार आपको भाग देना नहीं सिखाऊंगा, ये पहला ही क्वेश्चन है जो मैं आपको डीप बता रहा हूं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको मैं स्पीड करने वाला हूं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, आ जाओ। तो सर 229 को हम 5 से भाग देने वाला, कितने बार में जाएगा, दो संख्या को लेंगे तो सर ये जाने वाला 4 बार में, 5 चौक हो जाएगा ये 20, अभी भी घटाएंगे दोनों को तो 2 बज गया, यहाँ का 9 बज चुका है, फिर भाग देंगे तो 5 पंचे होता है 25, सर बिल्कुल 25 आ चुका, अभी बचेगा यहाँ पर 4, अब तो भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर दशमलव लेंगे, अब यहाँ पर लग जाएगा 0, फिर हो जाएगा सर 5 अट्ठे हो जाएगा 40, क्या आ चुका 40, यानी कि 45 दशमलव हमें क्या मिला हुआ 8, 45.8 किलोग्राम, यानी कि प्रत्येक बच्चे का जो वजन है वो 45.8 किलोग्राम है, प्रति बच्चे का जो वजन है वो 45.8 किलोग्राम होने वाला। बिल्कुल लास्ट लाइन में अपने आंसर को सर लिखेंगे कैसे, मुद्दा है देखो, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आए तो यहां तक में आपको मिलेगा 3 नंबर, यहां तक में मिला कितना 3 नंबर, अब 1 नंबर आपको मिलेगा अपने आंसर को जब लिखोगे। सर आंसर को कैसे लिखेंगे, देखो चलो आंसर को लिखना भी हम सीख जाते हैं। देखो तो सर हम यहां पर लिखेंगे अतः प्रत्येक बच्चे का वजन, प्रत्येक बच्चे का वजन वजन कितना है बराबर 45.8, हमें जो इसका इकाई दिया था सर वो क्या है किलोग्राम में था, तो यहां पर चिपका देना किलोग्राम है। बिल्कुल ये आपका फाइनल आंसर होने वाला जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाली है। इस प्रकार से हम टेबल के फॉर्म में जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसका समांतर माध्य हम इस तरह से निकालते हैं। बिल्कुल 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से बिल्कुल आपको ज्यादा टर्म नहीं लगने वाला है, 5 मिनट में आपको 4 में से 4 अंक मिलने वाला है, कितना फायदे का मन सौदा होने वाला, ठीक है फायदे का सौदा होने आ जाओ ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, 10 स्टार ठोकर उसको 10 स्टार, जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। आ जाओ चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या दिया और क्या निकालना, बिल्कुल पढ़ लो आ जाओ। बोला गया है कि नीचे दी गई सारणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है, और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट ABC, तीनों सेट में पूछा गया था, ठीक है तीनों सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल देखो तो एक शहर की साक्षरता दर को हमें दिया गया टेबल के फॉर्म में कि सर साक्षरता दर यहां पर पहली वाली पंक्ति में दिया गया प्रतिशत में, और नीचे वाले पंक्ति में दिया गया शहरों की संख्या। चलो अब इसका मतलब हम समझते हैं। देखो तो 45 से 55% 3 शहरों की है, 55 से 65% साक्षरता दर सर ये 10 शहरों की है, 65 से 75% साक्षरता दर सर ये 11 शहरों की है, 75 से 85% सर ये 8 शहरों के लिए है, और 85 से 95% साक्षरता दर सर ये 3 शहरों की है। बिल्कुल हमने टेबल को समझ लिया, हमें यहां पर निकालना है समांतर माध्य, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह इसको भी सॉल्व करने वाले, उड़ा देंगे, कुछ भी दम नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्मेट मैं सिखा चुका हूं, साइड में लिखो हल, बिल्कुल हल लिखो। अब देखो इतना करते ही आपके दिमाग में आ जाना कि सर हमें तो बनाना है टेबल, क्या बनाना है टेबल बनाना है, आ जाओ बिल्कुल टेबल। तो यहां पर हम पहले बड़ा सा बनाए हैं बॉक्स, क्या बना दिया बड़ा सा बना दिया सर बॉक्स बना दिया। चलो फिर क्या करते हैं, अगला हम करते हैं सर यहां पर 4 कॉलम बनाते हैं। बिल्कुल 4 कॉलम मैं यहां पर बनाने वाला हूं, ये हमारा हुआ पहला कॉलम, ठीक है लाइन थोड़ी सी तिरछी है, इसको सीधा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आराम से करेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल भी करेंगे भाई, आ जाओ ये पहला कॉलम ठीक है। चलो ये सर हमारा हो चुका दूसरा कॉलम भी मैंने अच्छे से यहां पर बना दिया, ठीक है थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है इसको सीधा कर देता हूं, बिल्कुल सर सीधा हो गया। चलो आ जाओ फिर 2 कॉलम और बनाना, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और 2 कॉलम हमें यहां पर बिल्कुल दिखने वाला अच्छे से, 2 कॉलम हमने यहां पर फिर से बना दिए, देख लो ठीक है 4 कॉलम यहां पर आपको दिख रहा है। फिर क्या करते हैं, एक लाइन ऊपर की ओर बनाते हैं ऐसा, एक लाइन सर हमने ऊपर की ओर बनाया ऐसा, बिल्कुल सर हमने यहां पर अच्छे से इसको बना दिया। फिर एक लाइन हम बनाते हैं नीचे की ओर हमने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी। अब क्या करेंगे, देखो
अब क्या करेंगे, तो पहले वाले कॉलम में हम किसको रखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके पहली वाली पंक्ति को रखते हैं। तो पहले वाली पंक्ति में क्या दिख रहा है, सर साक्षरता दर को दिया गया है जो कि प्रतिशत में है। तो हमने जो टेबल बनाया हुआ था उसके पहले कॉलम में रखेंगे साक्षरता दर को। बिल्कुल, साक्षरता दर इसके मात्रक को बिल्कुल लिखना सर हमें दिया गया था, इसका यूनिट जो है वो प्रतिशत में दिया गया था। किसमें दिया गया था सर, प्रतिशत में दिया गया था। अब दूसरे वाले कॉलम में हम किसको रखते हैं, तो दूसरे वाली पंक्ति को, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके दूसरे वाले पंक्ति को, जो कि है शहरों की संख्या। क्या है, शहरों की संख्या। बिल्कुल यहां पर चिपकाएंगे सर शहरों की संख्या, ये हो चुका शहरों की संख्या। बिल्कुल शहरों की संख्या, अब इसको हम प्रदर्शित करेंगे सर एफ से। किसको, एफ से। बस इस दोनों कॉलम को हम पहले भरेंगे, बाकी इन दोनों कॉलम का काम बाद में तमाम करेंगे। आ जाओ, पहले इन दोनों का हम काम तमाम करते हैं। देखो तो सर साक्षरता दर जो कि प्रतिशत में दिया गया, यहां पर क्या भरेंगे, तो यहां पर देखो क्या था, 45 से 55%। ये कितने शहरों के लिए था, 3 शहरों के लिए। तो यहां पर ये आ जाएगा सर कि 45 से 55% जो है ना वो 3 शहरों का है। कितने, 3 शहरों का। बिल्कुल यहां पर हम लिख देंगे 3। अब देखो फिर सर 55 से 65% साक्षरता दर वो जो है वो 10 शहरों का है। तो हम यहां पर चिपकाएंगे 55 से 55 से, ये हो चुका 65। ठीक है, कितने शहरों के लिए, तो 10 शहरों के लिए। फिर अगला दिया है 65 से 75 जो कि 11 शहरों के लिए है। तो यहां पर ये आ जाएगा सर 65 से 75%, ये है 11 शहरों के लिए। कितना, 11 शहरों के लिए। फिर सर अगला हमें दिया गया है 75 से 85। बिल्कुल, तो यहां पर हम चिपकाएंगे सर 75 से 85% जो है वो कितने शहरों के लिए, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 8 शहरों के लिए। बिल्कुल सर, हमने यहां पर चिपका दिया 8। अब देखो अंतिम में बच चुका है कि 85 से 95% साक्षरता दर वो 3 शहरों का है। तो हम यहां पर लास्ट में लिखेंगे सर कि 85 से 95% साक्षरता दर जो कि 3 शहरों का है। कितने, 3 शहरों का। बिल्कुल यहां तक की कहानी सर में अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपका 40% काम हो चुका है। जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी बात को हमने यहां पर बस उतारा है। ठीक है, फिर भी आपका 40% काम हो चुका है। अब देखो अब आगे, तो आगे हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। किसका निकालते हैं, मध्य बिंदु। बिल्कुल, तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु को हम एक से प्रदर्शित करते हैं। तो मध्य बिंदु हम इसका निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो सर 45 और 55 को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो बिल्कुल हमें यहां पर मिलने वाला 50। कितना मिल चुका, 50 मिल चुका। इतना काम तो आप लोग कर सकते हो ना, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद करके चलूंगा कि आपको गुणा भाग करना तो आता ही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ सर, इन दोनों का हम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले, मध्य बिंदु निकालने वाले हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो सर यहां पर हमें मिल जाएगा 60। बिल्कुल मिल चुका 60। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो सर हमें मिलेगा 70। इन दोनों का निकालेंगे तो सर हमें मिलेगा 80। और यहां पर फिर से 10 का अंतराल करके हम लिख देंगे डायरेक्टली 90। इन दोनों का मध्य बिंदु का आ चुका 90 आ चुका। अभी तक आपका 60% काम हो चुका है। अब यहां पर मैं 20% काम करने वाला। देखो अब क्या करेंगे, शहरों की संख्या और मध्य बिंदु इन दोनों का हम गुणा करते हैं, यानी कि मैं निकालने वाला हूं f into x से निकालने वाला। ठीक है, अब 50 का गुणा करेंगे 3 से तो सर हमें मिलने वाला 150। 150 मिल चुका। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर। अब देखो आ जाओ सर, 60 का गुणा करेंगे 10 से ना तो हमें मिल जाएगा 600। कितना मिला, 600 मिल चुका। बिल्कुल, फिर सर हम 70 का गुणा करेंगे 11 से तो 11 से 70 यानी कि 770। कितना मिला, 770 हमें मिल चुका। फिर 80 का गुणा करेंगे 8 से तो 8 ही 64 यानी कि 640। कितना मिला, 640 हमें मिल चुका। बिल्कुल आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर 90 का गुणा करेंगे ना सर 3 से तो 9 तो यह होता है 27 यानी कि 270। कितना मिला, 270 हमें मिल चुका। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। आपका 80% काम हो चुका है, 20% काम और बच चुका है। तो टोटल शहरों की संख्या हम निकालेंगे यहां पर। तो देखो यहां पर टोटल शहरों की संख्या मैं निकालने जा रहा हूं तो समेशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एफ बराबर। देखो सबको जोड़ देते हैं, आ जाओ देखो। तो सर सबको जोड़ने जा रहा हूं तो 10 और यहां पर 11, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, 21। और यहां पर देखो 21 हो चुका है, 21 में 3 जोड़ेंगे तो सर ये हो चुका 24। और यहां पर देखो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 24 और 11 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, 35 मिलने वाला। कितना मिल चुका सर, यहां पर हमें मिल चुका 35। बड़े अच्छे से 35 मिल चुका। अब देखो सर, हम यहां पर सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने वाले हैं। तो एफ एक्स जो मिला हुआ है सबको जोड़ देंगे, सबको मैं यहां पर जोड़ने वाला हूं। चलो एक बार जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो आ जाओ
देखो आ जाओ, तो यहां पर देखो इकाई की तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो सब में जीरो 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 है, तो बिल्कुल क्या आएगा यहां पर इकाई में आ चुका जीरो, क्या आ चुका जीरो आ चुका है। अब आगे की कहानी सुनो, देखो सर सात और पांच दोनों को जोड़ेंगे तो बारह होगा, बारह बारह ही हो रहा, बारह में अगर हम चार जोड़ेंगे, बारह और यहां पर चार क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा सोलह, सोलह और यहां पर सात, सोलह और सात को जोड़ने वाले तो ये हो जाएगा तेईस, तेईस का आया हुआ तीन हासिल में आ जाएगा यहां पर दो, बिल्कुल दो को हमने यहां पर चिपका दिया। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ गया, बिल्कुल सर अच्छे से समझ में आ चुकी। अब देखो यहां पर दो और एक तीन हो चुका, तीन और छह यहां पर नौ हो चुका, नौ और सात सर ये हो जाएगा सोलह, सोलह और छह बाईस, बाईस और दो, बाईस और दो सर यहां पर ये हो चुका चौबीस, यानी कि दो हजार चार सौ तीस हमें मिल चुका है सिग्मा एफ एक्स का मान मिल चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो बाकी काम हम स्टार्ट करने वाले, नीचे इसको हल करने वाले कैसे करते हैं, हमें तो निकालना है सर समांतर माध्य, क्या निकालना है सर समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, आजा कोई दिक्कत नहीं, आजा। अतः समांतर माध्य बिल्कुल, पांच मिनट लगता है, पांच मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पांच मिनट लगता है, वो तो मैं आपको हल करके बता रहा हूं, समझा के बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि इस क्वेश्चन को पांच मिनट में उड़ा दोगे, पांच मिनट से भी कम समय लगेगा। अतः समांतर माध्य एक सब बार बराबर कैसे निकालते हैं, तो सर हम इसको निकालते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में आता है सिग्मा एफ आता है, बिल्कुल यहां तक की कहानी सर हमें समझ में आ चुकी। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है सर 2430 हमने निकाला हुआ है, और इसको हम भाग देने वाले हैं सिग्मा एफ से जो कि क्या है 35 है, जो कि क्या है 35 है। अब आप 2430 को भाग दोगे 35 से तो बिल्कुल आपको मिलने वाला है 69.4 मिलने वाला है, और इसका इकाई दिए थे सर परसेंट में, तो यहां पर आपको लगा देना है प्रतिशत, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इतना तो मैं आपको उम्मीद करके चलूंगा कि आपको डिवाइड करना भाग करना बिल्कुल आता होगा। अब बिल्कुल रफ में जाकर इसको भाग कर दे सकते हो कि सर हम 2430 को 35 से भाग देंगे तो 69.4 मिलने वाला है, 69.4% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चन करा लिया जो कि समांतर माध्य से संबंधित है, और यहां से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है चार अंकों के लिए। ठीक है, चलो तो आज के इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माध्यिका निकालना सिखाने वाला हूं। माध्यिका निकालने का हमने एक फॉर्मेट सीख लिया, जब जब आपको क्वेश्चन एक टेबल के फॉर्म में न दिया जाता हो, केवल एक लाइन में दे दिया जाता है, तब मैं आपको माध्यिका निकालना सिखा चुका हूं। जब सम संख्या होते हैं और विषम संख्या होते हैं दोनों के लिए हमने अलग अलग सीख लिए हैं। अब कल की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला माध्यिका, जहां पर आपको जो क्वेश्चन है वो टेबल के फॉर्म में दिया जाता है, तो उसमें हम कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने आज पढ़ाया बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में उसको नोट डाउन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।